Uh, आपने ये भी uh, बोला था एक बार कि आपके के के आर में uh, रहने की वजह से कोलकाता विज़िट करने की वजह से आपको एक लगाव सा हो गया था उस सिटी uh, से एंड uh, जब सी uh, एम ममता बनर्जी ने कहा uh, कि ये बाहर के लोग हैं बीजेपी के बाहर के लोग हैं तो आपने बोला था आपको बहुत डिजेक्शन फील हुआ उसके बारे में कुछ बताएंगे देखिए पहली बात तो वो बहुत इ स्टेटमेंट है इसलिए नहीं क्योंकि मैं बीजेपी का एम पी हूँ मैं सात साल कोलकाता में रहा भी और जिस तरीके से मुझे प्यार मिला भी और जिस व्यक्ति को मैंने रिप्लेस किया सौरव गांगुली को उससे पहले वो कप्तान थे फिर उसके बाद मैंने सात साल कप्तानी करी मुझे नहीं लगता कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन जब तक मैं कोलकाता में था कि कभी ऐसा हुआ हो कि मुझे कभी बाहरी बोला गया हो मुझे एक गेम याद है कि जहाँ पर सौरभ पुणे वॉरियर्स के लिए खेल रहे थे और मैं के के आर का था और वो पुणे वॉरियर्स की कप्तानी कर रहे थे और मैं KKR के के आर की कप्तानी कर रहा था इडन गार्डन्स में और टेलीग्राफ में एक हेडलाइन आई है थी कोलकाता विल बी डिवाइडेड अगेन आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम कोलकाता विल बी डिवाइडेड बिकॉज द सन ऑफ कोलकाता इज़ कैप्टन इंग पुणे एंड द सन अडॉप्टेड सन ऑफ कोलकाता इज़ कैप्टन के के आर और आधा जो स्टेडियम था वो पुणे की जर्जी से भरा हुआ था आधा स्टेडियम के के आर की जर्जी से भरा हुआ था तो जब मैं होटल के बाहर जा रहा था मैच के लिए तो जो वो गेट कीपर होता है जो गेट खोलता है उसने मुझे सिर्फ जब मैं बस में जा रहा था उसने मुझे एक बात बोली कि मीडिया जो मर्जी बोले पूरा कोलकाता जो मर्जी बोले हमारी टीम के के आर है और हम आखिरी दम तक आपको सपोर्ट करेंगे चाहे आपके खिलाफ कोई भी खड़ा हो तो वो जो एक स्टेटमेंट थी उससे ये मुझे पता चला कि मैं अडॉप्टेड नहीं मैं एक्चुअली आई वॉज़ द सन ऑफ कोलकाता फॉर सेवन ईयर्स तो अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए ये देश सबका है और ये इस देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है कोई भी कहीं पे कांटेस्ट कर सकता है सिर्फ तरफ ये बोला कि आप बाहरी हैं ये बाहरी पार्टी है बहुत इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है ठीक है आप मुद्दों पे लड़ाई लड़िए अगर आपको इलेक्शन लड़ने हैं तो आप इशूज़ पर लड़िए ना किसी को भारी कहना वो भी अपने देश में कहीं ना कहीं ये मुझे नहीं लगता कि ये ठीक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का एम श्योर sure, आगे जाके पीपल विल आंसर दिस स्टेटमेंट टू बी ऑनेस्ट जब ये इलेक्शन आएंगे क्योंकि अगर आप अगर आज आप दिल्ली आते हैं और आपको ये बोला जाए कि आप भारी हैं तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा या मैं कोलकाता जाता हूँ मुझे ये बोला जाए कि आप भारी हैं बिकॉज मेरा देश है हम सबका देश है ठीक है और हम कहीं पर भी जा सकते हैं वी ऑल आर इंडियन एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट तो आई आई डोंट थिंक सो कि किसी भी किसी भी पोलिटिक politic, पॉलिटिशियन को या किसी भी पोलिटिकल पार्टी को इस तरीके की स्टेटमेंट देनी चाहिए आप जीत रहे हो हार रहे हो आप सरकार में हो आप नहीं हो दैट इज़ ए बट एवरी इंडियन हैज़ equal right to travel everywhere across the country and everyone should be proud to be called themselves as indians